शासकीय दृष्टि बाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले एक सप्ताह से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने एवं शिक्षकों की भर्ती किए जाने सहित छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं, लेकिन मांगे पूरी न होने पर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है। अंधमुख बाईपास पर स्थित शासकीय दृष्टि बाधित उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्र पिछले एक सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल में इंग्लिश टीचर की भर्ती करने, शिक्षा का स्तर सुधारे जाने और शाला के रेनोवेशन सहित अन्य निर्माण कार्यों के लिए आई 10 लाख की राशि के हिसाब किताब की जानकारी देने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे नेत्रहीन छात्रों की आवाज जब अधिकारियों ने नहीं सुनी तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल के दौरान छात्रों का स्पष्ट कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो अनशन जारी रखेंगे। सर, हमारी विभिन्न प्रकार की मांगें हैं। पिछले 7 दिवस से हम आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रशासन हमारी बात को सुन नहीं रहा है, तो आज हमें भूख हड़ताल जैसी स्थिति निर्मित करनी पड़ गई है। और हमारी कोई बड़ी ऐसी मांग नहीं है सर कि जो हम बेबुनियाद मांग कर रहे हों। हमारी मांग शिक्षा को लेकर है। ये विद्यालय 1ली से 12वीं तक का है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 शिक्षक में पूरा विद्यालय चल रहा है सर। इस कारण शिक्षा प्रभावित होती है और हम लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती सर। जो शिक्षा से संबंधित जो समस्याएँ हैं, जो मूलभूत समस्याएँ हैं और जो जैनमैन है तत्कालिक, जैसे कि ब्रेल स्लेट का उपलब्ध होना, टीचर, इंग्लिश टीचर, संगीत टीचर, कंप्यूटर टीचर और ब्रेल में जिससे हम लिखते पढ़ते हैं, ब्रेलर जिससे हम ब्रेल लिखते हैं, ब्रेल प्रिंटर जो जिससे हमारे लिए बुक छापी जा सकें और पत्रिकाएं छापी जा सकें, और आर्बिट रीडर जिससे हम लोग पढ़ लिख सकें, और जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी लगभग 1968-1987 के जो हैं वो अभी काम में नहीं है, फटी हुई ढोलक हैं, फटी हुई हारमोनियम वगैरह हैं, जिससे हमको शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है। हमारी मांग ये है कि उनको नया परचेज किया जाए जिससे कि हम लोग की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो सके। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन कर रहे नेत्रहीन छात्रों में प्रशासन की अनदेखी से नाराजगी व्याप्त है।